नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। ये विटामिन डी का पार्ट टू पार्ट है। पार्ट वन पार्ट आप मेरे ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरा एक मांजरा समझ में आ जाएगा कि हमारे जो विटामिन डी है उसका मेन सोर्स क्या है और आप इस चीज़ से कैसे अपने स्वास्थ्य के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इट्स योर चॉइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था सूरज की असीम शक्ति के बारे में। उसमें हम लोगों ने बात किया था विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के बारे में। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि विटामिन डी प्राकृतिक रूप से कैसे हमारे शरीर में चेंज करता है और किस तरीके से हमारे शरीर में उसका फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग इस वीडियो में अभी बात करेंगे कि विटामिन डी को लेते समय कम से कम कितना समय हमको सनलाइट में एक्सपोज रहना है। तो बेसिकली आप कितने समय के लिए धूप में निकलें, तो हमारे आयुर्वेद में ये चीज़ बताया गया है कि कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा आपको आप धूप में निकलना होगा। लेकिन धूप में निकलने के भी तरीके होते हैं। तरीके ये हैं कि आपको डायरेक्टली एक्सपोज करना पड़ेगा सनलाइट के सामने खुद को। अगर आप इनडायरेक्टली रूप से एक्सपोज करते हैं, जैसे कि आप उसके छांव में अगर रहते हैं, तो सनलाइट आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपको डायरेक्टली सनलाइट के पास जाना पड़ेगा, तभी जाके वो जो रिएक्शंस होते हैं, आपका जो 7-dehydrocholesterol इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपका जो HDL को विटामिन डी में कन्वर्ट कर पाएगा। तब उसके बाद आपका विटामिन डी है तो वो आपको कैल्शियम का एब्जॉर्ब करेगा और वो डायरेक्टली आपको बोन का फॉर्मेशन बनाने में हेल्पिंग एजेंट होगा। तो ये जो चीज़ है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स के जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग हैं। विषुवतीय रेखा में जो कलर्स होते हैं वो थोड़ा डार्क होते हैं। अगर आप उत्तरी गोलार्ध में जाएं, ध्रुव की तरफ जाएं, तो आपका जो वो रंग होता है वो आपका हल्का होते चल जाता है। आप हमारे भारत देश में देख सकते हैं कि चेन्नई से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में कितना वेरिएशन है, अलग अलग सभी के स्किन के कलर्स हैं। ये जो स्किन के कलर्स होते हैं ये हमारे जो प्रकृति होता है, प्रकृति ने दिया होता है, क्योंकि जो दूर में रहते हैं उनको एक्चुअली में सनलाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है, तो उनको कम समय में ही विटामिन डी मिल जाता है। और जो आपके विषुवतीय रेखा के पास में होते हैं तो उनके पास सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके स्किन वो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं। तो वो जो स्किन होते हैं उसमें जो मेलानिन जो पिगमेंट होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण से उनका जो स्किन होता है वो डार्क होता है और आपको ज़्यादा समय लग जाता है विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए ये जो कलर शेड्स होते हैं ये जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे हल्के होते चल जाते हैं। हमारे देश में 4 टाइप के आपके जो सीजन्स होते हैं, आपका जो गर्मी हो गया, बरसात हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया। तो ये जो हमारे जो सीजन्स होते हैं, तो सीजन के अकॉर्डिंग जो सनलाइट होते हैं, सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो कम ज़्यादा होती है। तो आप कैसे पता चलेंगे कि मेरे को इसी सनलाइट के अंदर में हम रहेंगे तब जाके वो हमारे बॉडी के लिए इफेक्टिव होगा? देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है, जब आपको गर्मी लगने स्टार्ट हो जाए, आपको जब जलन हो आपके स्किन के ऊपर में, तब जाके समझिए कि आपका जो फंक्शनिंग है 7-dehydrocholesterol वो फंक्शन करना आपका स्टार्ट कर दिया है। वो जो जलन है जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं आप उसी समय तक ही बर्दाश्त करें, और जब आपको लगता है कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है तो आप वापस जो सेट्स में आप आ सकते हैं, आप घर पे बैठ सकते हैं। नॉर्मली 15 से आधा घंटा अगर आप डेली सूर्य के किरण के एक्सपोज में रहते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो कि इनडायरेक्टली रूप से भी हमारे शरीर को विटामिन डी देते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे कि आपका मशरूम हो गया, आपका जो फिश ऑयल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो कि हमारे शरीर को विटामिन डी देते हैं। तो
इसके अलावा लेकिन हमारे जो मेजर सोर्स होता है वो हमेशा सनलाइट ही होता है, जिसमें कि आपको 90-95% आपका जो विटामिन डी होता है वो सनलाइट से ही आपको आता है। दोस्तों, अगर विटामिन डी आपके शरीर में कम हो जाती है तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर लोगों में देखा गया है आज के इस जनरेशन में और इस युग में, जहाँ पे कि लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिजी किए हुए हैं और अगर उनका दिनचर्या को देखा जाए तो बहुत ही कम समय उनको मिलता है कि वो बाहर भी निकल पाएं, और वो जितना समय वो बाहर भी निकलते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली हमेशा वो शेड्स में ही रहते हैं, वो डायरेक्टली सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते हैं। तो अगर प्रॉपर रूप से विटामिन डी आपके बॉडी में ना बने तो उससे आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो बॉडी है, बॉडी में आपका पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपके जो जितने भी हड्डी हैं, हड्डी के जो जोड़ होते हैं उसमें आपका पेन स्टार्ट हो जाएगा, खासकर जो नी ज्वाइंट्स होते हैं उस पर तो बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट, क्योंकि आपका जो बॉडी का पूरा भार है वो नी ज्वाइंट्स पे ही रहता है। आपका शोल्डर्स में पेन स्टार्ट हो जाएंगे, आपको जो थकान होता है वो थकान बहुत ज़्यादा आपको आएगा। आप जब भी दिन का अंत जब भी होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, इवन हम खड़े तक नहीं हो सकते हैं। इवन यहाँ तक है कि आपके शरीर में जो कैंसर बनने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं विटामिन डी के कमी से। उसके अलावा आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसमें कि आपको और भी जो रोग होते हैं आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज के देश में आज के समय हमारे देश में ये देखा गया है कि जो डायबिटीज पेशेंट है वो हद से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो जो डायबिटीज पेशेंट है उसके उनके लिए तो स्पेशली ये रिकमेंडेशंस है कि आप सनलाइट में खुद को एक्सपोज जरूर करें। और इवन जो डायबिटीज पेशेंट्स नहीं हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि आप हमेशा खुद को एक्सपोज करें, क्योंकि जब आप खुद को एक्सपोज करेंगे तो आपको प्रॉपर रूप में विटामिन डी मिलेगा, आपका जो बोन्स होगा वो सही बनेगा और आपका जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो आपका सही रहेगा, तो अल्टीमेटली आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो सही रहेगा, तो आपको कभी भी डायबिटीज होने के चांसेस नहीं होंगे। इसलिए ये रिकमेंडेशन हर लोगों के लिए है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, कि आप खुद को सनलाइट में एक्सपोज जरूर करें कम से कम 15 से आधा घंटा। दोस्तों, ये जो सूर्य की किरणें हैं हमारे सेहत के साथ साथ हमारे आंखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, लेकिन जो देखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। अगर आप दोपहर के समय में सूरज को देखेंगे तो ये आपके आपके जो आँख है उसको वो डैमेज कर सकते हैं। तो जो आप उसको देखेंगे कब, तो जब सूर्योदय हो रहा होता है 5:30 बजे के आसपास में, तब आप उस समय देखें, जो लालिमा होता है आप उस समय देखें और कम से कम 5 मिनट देखें। या जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो सूर्यास्त के समय में जो लालिमा हो रहा होता है आप उस टाइम पे सूरज को देखें 5 मिनट के लिए, वो उस समय आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि जो सनलाइट का जो रे आता है उसमें जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं वो फोटोन पार्टिकल्स आपके आई में डायरेक्टली इंटर करते हैं और जो आपके आई के अंदर में जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं उसको वो सही बंद करता है। ये जो सनलाइट है आपको हमेशा हैप्पीनेस बना के रखेगा, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ही नहीं आता था और मैं हमेशा थोड़ा सा मूड मेरा सही नहीं रहता था वहाँ पे। बट अभी जहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट है, हमारे घर में आते हैं और उस समय से मेरा मूड है बहुत ही अच्छा रहता है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। उसके अलावा जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी तो आपका ज़बरदस्त बूस्टअप भी हो जाएगा, और उसके अलावा जो आपका जो त्वचा है, त्वचा भी आपका साफ हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि हमारा त्वचा कैसे साफ हो जाएगा सनलाइट के अंदर, तो अगर आप देखेंगे कि जो त्वचा के अंदर में, जो स्किन के अंदर में जो पोर्स होते हैं, पोर्स के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो आपका अंदर में घुस जाते हैं, वो जम जाते हैं और वो ऐसे जमते हैं कि वो वहाँ से निकलना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बट जब आप सनलाइट में जाते हैं तो वो जो पोर्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में वो खुल जाते हैं और जो पसीना होता है उससे वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो इससे जो आपका जो त्वचा होता है वो आपका साफ हो जाता है। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं
हम अगर आप हम लोग अगर आप सूरज की किरणें के सामने में अगर आप बैठते हैं, अगर आप उस चीज को करते हैं, तो आपको वो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जो महिलाओं में है उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम रहता है, तो खासकर जो हाउसवाइफ होते हैं तो उनका जो सबसे मेन रीजन ये होता है कि वो अपने काम में तो वो हमेशा व्यस्त रहते हैं, सुबह में और शाम में जब भी होते हैं वो हमेशा व्यस्त ही रहते हैं, तो उनको एक्सपोज करने का समय नहीं मिलता है सनलाइट के अंडर में। उसके कारण से उनको जो लॉन्ग टर्म पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, उनको इवन कैंसर भी हो सकते हैं, उनको खासकर जो पैरों में जोड़ों को जो दर्द होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्पेशली हाउसवाइफ के लिए है कि अगर आप समय निकाल के 10 से 15 मिनट भी अगर आप सूरज के सामने अगर आ जाते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप इस चीज को जरूर से करें। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो सनस्क्रीन लोशन होते हैं वो लेके बाहर निकलते हैं, तो कभी भी सनस्क्रीन लोशन अपने आप स्किन पे ना लगाएं। जो सनस्क्रीन लोशन होते हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो जो सनस्क्रीन लोशन में जो ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स आपके स्किन के थ्रू आपके ब्लड में वो पहुंच जाते हैं। इवन इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ था कि हमारे ब्लड्स में वो जो सनस्क्रीन लोशन के जो केमिकल्स हैं वो मिले हैं। इवन जो माँ के जो दूध हैं उसमें भी वो आपका सनस्क्रीन लोशन के जो केमिकल्स होते हैं वो मिले हैं, जो कि इवन जो कि ना कि आपके लिए ही हानिकारक है बट आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसलिए ये जो सनस्क्रीन लोशन है कभी भी आप इसको यूज ना करें। अगर आपको जैसे सूरज से आप किरणें लेकर आते हैं, आपके जो बॉडी में थोड़ा सा हीट अप हो जाता है, तो आप उस समय आने के बाद आप थोड़ी देर अगर आराम ही कर लें तो आपके जो बॉडी है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, तो अगर हम बेसिक अगर इसका पूरा फुल एक वीडियो का कंक्लूजन देखें, तो इस कंक्लूजन पे मैं आपसे आपको ये बताना चाहता हूं कि कम से कम आप 15 मिनट अगर आप सनलाइट में डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो इसका जो कैल्शियम्स है, कैल्शियम आपके बॉडी में प्रॉपर मात्रा में बनेगा। इवन इस टाइम पे जब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक घोषित किया हुआ है, वैसे तो एक और कोरोना वायरस पैंडेमिक नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस जैसे बहुत सारी बीमारियां हमारे आसपास घूम रही हैं, और ये विटामिन डी अगर आपके शरीर में आता है तो नॉट इवन द कोरोना वायरस, बहुत सारे जो वायरसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, आपको उनसे उनके लिए जो WBC की मात्रा है, उनके जो पावर है, उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने कॉमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दें, और आप मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। तब तक के लिए धन्यवाद।